मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला माल रोड पहुंचकर कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों का लिया जायजा। कहा, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना ही है कोरोना संक्रमण से बचने का सही उपाय। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने पीपीई किट पहनकर आईजीएमसी में कोरोना से संक्रमित मरीजों का पूछा कुशल क्षेम। उनकी देखभाल में किसी भी तरह की कोताही न बरतने को लेकर चिकित्सकों को दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 40,000 के पार। 8,600 से ज्यादा संक्रमित लोग उपचाराधीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया अनावरण। जिला सिरमौर में 7 दिन तक चला अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला विधिवत रूप से हुआ संपन्न। उपायुक्त आर के परूथी ने देव पालकियों को कंधा देकर किया रवाना। जिला ऊना के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद में पंच भीष्म मेले के चलते श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। मेले के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई के साथ किया गया पालन। कांगड़ा जिले की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट त्रियुंड में बर्फबारी को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। धौलाधार की वादियों में उठा रहे हैं पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। प्रदेश कांग्रेस ने नेरचौक कोविड अस्पताल को भेंट की राहत सामग्री। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, वह कोरोना महामारी के मुश्किल समय में पूरी तरह से हैं जनता के साथ। राज्य में 2 दिनों से मौसम के साफ रहने के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड से मिली हल्की राहत। जनजातीय क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे।